हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के 6th क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। हेयर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 9 रेस्ट टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 9 रेस्ट टू द पावर x। ओके, तो ये क्वेश्चन भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। अब यहाँ पे क्या है, 9 रेस्ट टू द पावर x है, तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं किस फॉर्म में। दैट इज 9 मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर रेस्ट टू द पावर x। ठीक है, या तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 रेस्ट टू द पावर 2x, या तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 रेस्ट टू पावर एक्स का स्क्वेयर। ठीक है, कैसा भी लिखे तो एक ही बात होती है। तो हम क्या लेंगे, हम ये वैल्यू लेंगे 3 रेस्ट टू पावर एक्स का स्क्वेयर। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 9x है ना, तो 1 माइनस 3 रेस्ट टू पावर एक्स का स्क्वेयर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, अपॉन 1 प्लस 3 रेस्ट टू पावर एक्स का स्क्वायर। ओके, अब 1 माइनस समथिंग 1 प्लस समथिंग मतलब कि फंक्शन है। ठीक है, जब भी इस तरह का कंडीशन आती है तो हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स। सो हेयर वी गेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या आती है, कॉस 2 थीटा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयर फोर वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा। अब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, वाई इज इक्वल टू टू थीटा। ओके, देयर फोर वाई इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स, सॉरी एक्स पुट करें, यहाँ पे एक्स नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3 रेस्ट टू द पावर एक्स, ये ध्यान में रखना। 3 रेस्ट टू पावर एक्स की जगह पे हमने टेन थीटा लिया है, तो रिजल्ट में क्या मिल जाएगा हमें, टेन इनवर्स ऑफ 3 रेस्ट टू पावर एक्स। तो 2 इंटू टेन इनवर्स ऑफ 3 रेस्ट टू पावर एक्स। ठीक है, इसे अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट dy बाय dx इज इक्वल टू, टू कोएफिशिएंट है, टेन इनवर्स की डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस 3 रेस्ट टू पावर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 3 रेस्ट टू पावर एक्स है तो अब इसकी भी डेरिवेटिव लिखेंगे हम। तो 3 रेस्ट टू पावर एक्स की डेरिवेटिव क्या आती है, 3 रेस्ट टू पावर एक्स इंटू लॉग 3। ओके, सो इसे अगर हम सिंप्लीफाई कर दिए तो dy बाय dx इज इक्वल टू टू इंटू 3 रेस्ट पावर एक्स इंटू लॉग 3 अपॉन 1 प्लस 3 रेस्ट पावर 2x, या तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस 9 रेस्ट पावर एक्स करके। ठीक है, जिस तरह चाहे हम उस तरह से लिख सकते हैं। तो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4 रेस्ट टू द पावर एक्स प्लस 1 बाय 2 अपॉन 1 प्लस 2 रेस्ट टू द पावर 4x। ठीक है, अभी क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस दिखने में ही है, अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे क्या है, 4x 4 रेस्ट टू द पावर एक्स प्लस 1 बाय 2। ठीक है, तो 4 रेस्ट टू पावर एक्स प्लस 1 बाय 2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं दैट इज 4 रेस्ट टू पावर एक्स इंटू 4 रेस्ट टू पावर 1 बाई 2, है ना। और 4 रेस्ट टू पावर 1 बाई 2 मतलब क्या होता है, दैट इज 4 रेस्ट टू पावर एक्स इंटू रूट 4।
और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। यानी कि यहाँ पे सिंपल सा क्या गिवन है हमें, यहाँ पे गिवन है दैट इज इक्वल टू 2 × 4 × x। बस इतनी सी वैल्यू गिवन है, थी क्या 2 × 4 × x। इसको इस फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है, दोनों की वैल्यू एक ही है लेकिन इस तरह से लिखा गया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 × 4 × x, सिंपल सा है ना। तो हम ऊपर लिख देंगे ये वैल्यू, और नीचे नीचे क्या है, 2 × 4 x है ना। सो दैट इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 2 × 2 x, 4 होता है ना, 2 × 4। सो 2 × x, 2 और बाहर 2x लिख सकते हैं। इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, एक ही बात होती है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो 4 × 2x, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब 4 × 2x मतलब कि कितना होता है, 4x का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे ये वैल्यू लिख देंगे और इसकी जगह पे हम लिखेंगे 4x का स्क्वायर। ओके, सो देयर फोर वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4x × 4 raised to power 1/2 upon 1 plus 2 raised to the power 2 का स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है ना। 4x को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अब 4 raised to power 1/2, यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे इंटू 4x, 4 raised to power x अपॉन 1 plus 2 का स्क्वायर 4 raised to power 2x है। तो 2x को हम लिख सकते हैं 4 raised to power 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट लग रहा है, तो आप एक दो स्टेप और ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पे, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हूँ ना, हमने पहले ही इसे एक्सप्लेन कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, हम 4 raised to power x की जगह पे पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, हम tan थीटा पुट करेंगे। ओके, नाउ पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, सो थीटा विल बिकम tan इनवर्स ऑफ x। सो हमें क्या मिल जाएगा, देयर फोर वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे 4x का स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट ना, यहाँ पे फिर से हमने गलती की है, क्या है, x x नहीं है, यहाँ पे 4 raised to power x की जगह पे हम tan थीटा पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4 raised to power x, और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स tan tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये किसकी किसका फॉर्मूला है, ये है sin 2 थीटा का फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। ओके, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा। ओके, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, टैन इनवर्स ऑफ 4 raised to power x। ओके, सो अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy/dx इज इक्वल टू 2 कोएफिशिएंट है, टैन की डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो x की जगह पे क्या है, 4 raised to power x का स्क्वायर, ठीक है। अब 4 raised to power x की डेरिवेटिव क्या होती है, 4 raised to power x into log 4। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू 2 × 4 raised to power x into log 4 अपॉन 1 प्लस 4 raised to power 2x। ओके,
तो हम यहाँ पे 2 × 4 × x की जगह पे जो वैल्यू ऊपर गिवन थी वो वैल्यू भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे 4 × 2x की जगह पे 2 × 4x भी हम लिख सकते हैं, ओके, चाहे तो, अगर नहीं तो रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 − 25x² अपॉन 1 + 25x². तो हम यहाँ पे 25x² को 5x² लिख सकते हैं, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर है। बस वही लिखेंगे हम यहाँ पे, लिख देंगे साइन इनवर्स ऑफ 1 − 5x का होल स्क्वायर, ओके, यानी क्या हो जाएगा 25x² अपॉन 1 + 5x का स्क्वायर। सो अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे 5x इज इक्वल टू टैन थीटा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 5 रेस्ट टू पावर x, सॉरी 5x। सो वी गेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 − tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ओके। अब ये जो फॉर्मूला है किसका है, ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, ओके। अब यहां पे साइन इनवर्स है तो इसे भी हमें साइन में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos ऑफ π/2 − 2 थीटा, सॉरी साइन ऑफ π/2 − 2 थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने इससे पहले भी कई बार कर चुके, इसलिए मैंने यहाँ पे साइड में अलग से आपको लिखाया नहीं हूँ, ठीक है, यह अब आपको तो पता ही हो गया होगा। सो साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, π/2 − 2 थीटा बचेगा, ओके। सो y इज इक्वल टू π/2 − 2 थीटा, π/2 − 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, टैन इनवर्स ऑफ 5x। अब हमें इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट करेंगे, सो दैट इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो dy/dx इज इक्वल टू π/2, क्या है कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा, छोड़ दो, −2 कोएफिशिएंट है। अब टैन इनवर्स की डेरिवेटिव 1 / 1 + x², तो x की जगह पे क्या है 5x, तो 5x का स्क्वायर आ जाएगा इनटू, अब क्या है 5x है तो 5x की डेरिवेटिव कितनी आती है 5, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू −2 × 5 = 10 अपॉन 1 + 25x², ओके। सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 − x³ अपॉन 1 + x³, ओके। तो हमें इस टाइप के फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है 1 − x² अपॉन 1 + x², बट यहाँ पे क्या है क्यूब गिवन है, तो हमें क्या करना होगा, इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, ओके। तो हम किस तरह से कर सकते हैं, अब यहाँ पे x³ है, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं x³³ का स्क्वायर, क्योंकि अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें, ठीक है, 3/2 × 2 तो उसे 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा x³ बचेगा, ओके। तो x³ की जगह पे हम लिख सकते x³³ का स्क्वायर, ठीक है ना, तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, सो वी गेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 − x³³ का स्क्वायर अपॉन 1 + x³³ का स्क्वायर, ओके। अब हमें स्क्वायर मिल गया है, तब हम पुट कर देंगे, पुट
y इज इक्वल टू, सॉरी सॉरी, एक्स रेस टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू टैन थीटा. सो वी गेट थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर 3/2. सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस टैन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वेयर थीटा. अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा. ओके एक मिनट, cos 2 थीटा, ठीक है. अब cos को साइन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, साइन इनवर्स ऑफ, इसको लिख देंगे साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है. अब क्या होंगे यहाँ पे, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा पाई बाय 2 माइनस थीटा. सो देयरफॉर y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा. सो y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, 2 इंटू टैन इनवर्स ऑफ x रेज़ टू द पावर 3/2. तो अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है. सो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाय dx इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, माइनस 2 इंटू कोएफिशिएंट है, टैन की डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या है 3/2 का स्क्वायर. ओके अब यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है. अब हमें क्या करना है, इसकी डेरिवेटिव निकालना है एक्स रेस टू द पावर 3/2 की. तो सिंपल सा हम एक्स रेस टू पावर एन की डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करेंगे. क्या होता है, एक्स रेस टू पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1. ओके तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले आ जाएगा 3/2 इंटू एक्स रेस टू पावर 3/2 माइनस 1. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे इसे, ये 2 से ये 2 डिवाइड हो जाता है एंड माइनस 3 इंटू एक्स रेस टू पावर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हमें 3 माइनस 2 दैट इज 1/2 अपॉन 1 प्लस, अब यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ बचेगा एक्स क्यूब. सो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 3, इसे हम रूट एक्स लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब. ठीक है, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. सो y इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 2 एक्स रेस टू द पावर 5/2 अपॉन 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर 5. ओके तो क्या करना है, हमें सॉल्व करना है इसे. अब यहां पे क्या है, ऊपर तो एक्स रेस टू द पावर 5/2 है, ठीक है, नीचे क्या है, एक्स रेस टू द पावर सिर्फ 5 है. अब हम इसे सॉल्व करने के लिए नीचे स्क्वायर चाहिए होता, यहाँ पे स्क्वायर होना था, अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो हम तो क्या करेंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे. क्या कर सकते हैं हम, नीचे एक्स रेस टू पावर 5 है तो हम इसे लिखेंगे एक्स रेस टू पावर 5/2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2 से 2 डिवाइड हो जाता है और हमें यही वैल्यू मिलती है. ओके तो हम इसे लिख देंगे y इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 2 एक्स रेस टू पावर 5/2 अपॉन 1 माइनस एक्स रेस टू पावर 5/2 का स्क्वायर. ओके सो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू चेंज करेंगे, पुट एक्स रेस टू पावर 5/2 इज इक्वल टू टैन थीटा. सो वी गेट थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स रेस टू पावर 5/2. सो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ
टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा। अब ये जो फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला है, ये टेन टू थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, हमारे पास सेम फॉर्मूला है, एक साइन टू थीटा का फॉर्मूला है, दैट इज टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, और एक टेन टू थीटा का फॉर्मूला है टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। बस एक साइन का फर्क है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अगर प्लस है तो साइन टू थीटा, अगर माइनस है तो टेन टू थीटा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आएगा टेन टू थीटा, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन टू थीटा। सो टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा टू थीटा, ओके। सो अब यहां पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स ऑफ x इज टू पावर 5/2। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाय dx इज इक्वल टू, टू कोएफिशिएंट है, टेन इनवर्स की डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वेयर, यानी कि एक्स इज पावर 5/2 का स्क्वेयर, ओके। सो दैट इज इक्वल टू dy बाय dx इज इक्वल टू टू अपॉन वन प्लस एक्स रेस टू द पावर 5, ये टू से टू डिवाइड हो जाएगा, ओके। हाँ यहाँ पे लेकिन एक चीज, ठीक है, अभी हमने टेन इनवर्स की डेरिवेटिव निकाली है, एक्स इज पावर 5/2 की डेरिवेटिव अभी बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव आ जाएंगी 5/2 इंटू, जगह कम पड़ रही है, फाइव बाई टू इंटू एक्स इज पावर 5/2 माइनस वन, ठीक है। तो अब ये टू लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये टू से ये टू डिवाइड हो जाएगा, क्या बचा है 5, तो 5 एक्स टू द पावर, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 1 2, 5 - 2 3/2, ठीक है। 3/2 मतलब कि कितना होता है 1.5, तो उसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देयर फोर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 5, 1 मतलब कि एक्स, हाफ मतलब के रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 5, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, यहाँ पे 5 है। हाँ देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वेयर नहीं है, रूट एक्स है। अब कॉट इनवर्स देख रहे हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी है कैसी, कि कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स को एक्स लिखे, मतलब कि क्या है, 1 अपॉन एक्स का क्या हो गया, एक्स अपॉन 1 हो गया, ठीक है। तो इसी को हम टैन इनवर्स करके इसका उल्टा लिख सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स, ओके। ऐसी प्रॉपर्टी हमें गिवन है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे रूट एक्स की जगह पे टैन थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा, विच इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, ओके। सो वी गेट y इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 1 प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा, ओके। अब हम इसे टैन ऑफ a प्लस बी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि अब 1 है तो
तो वन को हम लिख सकते हैं, पहले तो टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला देख लो, दैट इज थोड़ा नजदीक लिखना पड़ेगा, टेन ऑफ ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है, ये जो गिवन है, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि वन है, तो वन को हम लिख सकते हैं टेन पाई बाय फोर, उसकी वैल्यू वन होती है ना, प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस, अब ये जो वैल्यू, इसको अगर हमने वन से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करने पे कुछ भी चेंजेस नहीं आते। तो वन से मल्टीप्लाई करना मतलब कि टेन पाई बाय फोर से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि इसकी वैल्यू भी वन ही होती है, तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है, इस फॉर्म में हम इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये एक ही वैल्यू है। ठीक है, अब इसको देखो और इसको देखो, बिल्कुल सेम टू सेम है, ए की जगह पे पाई बाय फोर है, बी की जगह पे थीटा है, तो इस फॉर्म को हम लिख देंगे टेन ऑफ ए प्लस बी, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं दैट इज टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ पाई बाय फोर प्लस थीटा। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे ब्रैकेट में ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, ओके, या तो इसको दो तीन स्टेप में इस तरह से बढ़ा के एक दो स्टेप इसमें और ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट भी लिखेंगे तो, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, टेन पाई बाय फोर प्लस थीटा इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है, आप डायरेक्ट भी इसे याद कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, देयर फोर वाई इज इक्वल टू ओनली पाई बाय फोर प्लस थीटा, ओके। अब हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा देयर फोर वाई इज इक्वल टू पाई बाय फोर प्लस थीटा, मीन्स थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स, रूट एक्स। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट है, जीरो हो जाएगा, टेन इनवर्स की डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हम रूट एक्स की डेरिवेटिव लिखेंगे, दैट इज रूट एक्स की डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स होती है, ओके। सो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू रूट एक्स इंटू वन प्लस स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, एक्स बचेगा, ओके। सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। एंड यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10 हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।